Let's crack CBSE 12. Hello once again, myself Krishnakant Modi. I am going to take your classes for Standard 12 CBSE. My credentials are, ये अगर आप देखें तो मैं कुछ 2010 साल से नागपुर में पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे अब तक मैंने 8,500 स्टूडेंट को फेस टू फेस क्लास में पढ़ा एट द एज ऑफ 29. एज वेल एज पिछले 5 कंसेक्यूटिव एग्जाम से 18 मेरे स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया वेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट, एज वेल एज मोर देन 100 स्टूडेंट्स है जिन्होंने 90 एंड 90 अबव स्कोर किया. आप मेरी क्लासेस रेगुलरली लाइव देख सकते हो ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा. सब्सक्रिप्शन चाहे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पे मैं रेगुलरली लाइव आता हूँ, जिस तरीके से यहाँ क्लासेस में रेगुलरली लाइव ले रहा हूँ वहां भी रेगुलरली लाइव क्लासेस लिए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते. देखो वहां पे अगर मैं प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो उसके फायदे क्या होते हैं, लाइव क्लासेस होते हैं, टेस्ट होती है, क्विज हो पाती है, जो हमारा यूट्यूब पे कंडक्ट कर पाना डिफिकल्ट है. स्ट्रक्चर कोर्स होता है, यूट्यूब में कई बार ढूंढना पड़ता है सर ने इसके बाद क्या पढ़ाया होगा, इसके बाद क्या पढ़ाया होगा. वहाँ एक स्ट्रक्चर प्रॉपर कोर्स होता है, अनलिमिटेड एक्सेस तो है ही सारे टीचर्स का जो भी अवेलेबल है ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. देखो बेटा लाइव क्लास का मैं आपको एक बेनिफिट बता दूं, लाइव क्लास का एक बेनिफिट ये रहता है कि हम डिसिप्लिन में रहते हैं. हमको पता होता है आज हमको इतने बजे कृष्णा सर का क्लास अटेंड करना ही है, तो हम रेगुलरली उस टाइम पे रेगुलरली अवेलेबल होने की कोशिश करते हैं. वहीं अगर हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स या यूट्यूब पे अगर जाते तो क्या होता है, बहुत बार हमारे पास बैकलॉग जमा होता चला चलता है. इसके बाद अगला लेक्चर क्या होगा वो ढूंढना तो पड़ ही रहा है, साथ साथ में बैकलॉग जमा होता है, तो हम सोचते छोड़ना आज नहीं कल देख लेते, कल 2 लेक्चर देख लूंगा, कल मैं ज्यादा देख लूंगा. हम इस डिसिप्लिन से अगर आगे बढ़ते हैं तो ऑफकोर्स बैकलॉग जमा होने के चांसेस बढ़ते चले चलते हैं, जो लाइव क्लास में होना कम डिफिकल्ट है, हो नहीं पाता है. टॉप एजुकेटर्स है अनअकैडमी पे, स्ट्रक्चर कोर्स के बारे में बता चुका हूं, ढूंढना नहीं पड़ता अगला क्लास कौन सा है, ये हमको बार बार ढूंढना नहीं पड़ता. स्टेप सिंपल है, गो टू योर प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए. एप्लीकेशन के अंदर हम देखेंगे तो हमारे सब्सक्रिप्शन के प्लान्स कुछ इस तरीके से, वी हैव 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन. सर कौन सा सब्सक्रिप्शन ले, देखो मैं आपको सिंपल बता दूं, जो मेरा रेगुलर बैच है, रेगुलर बैच जो चलता है वो कुछ अराउंड 6 महीने का चलता है. अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ रेगुलर बैच कर ले तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लें. रेगुलर बैच खत्म होने के बाद मैं रिवीजन लेता हूँ कुछ 3 महीने की, तो 3 महीने अगर आप रिवीजन प्लस रेगुलर चाहते हैं तो टोटल 9 महीने होते हैं, तो इट्स बेटर गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन. अल्टीमेटली अगर आप चाहे रेगुलर प्लस रिवीजन तो 12 मंथ. वह एक चीज और बोलूंगा, करंट मंथ कैलकुलेट करो, करंट मंथ देखो और उसके हिसाब से कैलकुलेट करो. जब भी आपकी एग्जाम आने वाली है उस तक के आप सब्सक्रिप्शन ले लो, बट कोविड का सिचुएशन है बेटा, जरूरी नहीं है एग्जाम मार्च में ही आए, एग्जाम आगे पीछे पोस्टपोन्ड हो सकती है. सेफर साइड रहने के लिए इट्स बेटर, इट्स एडवाइजेबल टू गो फॉर अ बिगर सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन का. वहीं अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी अगर यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, वो आपको रेफरल कोड पूछेगा, अगर वहीं आप मोदी यूज करते हैं तो आपको एक 10% का डिस्काउंट मिल जाता है. मतलब वो 10,000 का सब्सक्रिप्शन 9,000 में हो जाएगा, 15,000 का सब्सक्रिप्शन 13,500 में हो जाएगा. साथ ही साथ में कई बच्चों का ये रहता है हम डाउट्स आपके बैचेस अपडेट्स कैसे पूछ सकते हैं, तो ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप चाहो तो इसे फॉलो कर सकते हो. टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, ये चैनल को आप आपकी यूआरएल में ये लिंक अगर आप लिखेंगे कॉपी पेस्ट करेंगे, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ये लिंक अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वहां से भी मिल जाएगा. साथ ही साथ में ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. मैंने यहाँ कुछ स्टूडेंट के ग्रुप बना रखे, बॉयज ग्रुप अलग है, गर्ल्स ग्रुप अलग है, तो प्राइवेसी का मेजरली इशू नहीं आता, तो आप यहाँ डिस्कशन कर सकते हैं. दोज हु वांट टू हैव डिस्कशन विद अदर स्टूडेंट्स दे कैन ज्वाइन दिस ग्रुप. आपको आपका नाम, आपका जेंडर और आपका क्लास, क्योंकि 11th का ग्रुप अलग होता है, 12th का ग्रुप अलग होता है, तो आप ये 3 चीज अगर भेज देंगे तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा. ये मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां भी मैंने कुछ बेसिक से रिलेटेड वीडियोज अपलोड कर रखे हैं. फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, आप चाहो तो मुझे यहां से भी कम्युनिकेट कर सकते हो. ये मेरा टेलीग्राम चैनल है 12th के लिए, डेडिकेटेडली 12th स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें http://t.me/krishnasir12th करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा. यूआरएल पे वो आईडी कर लीजिए, या आप चाहे तो वो क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं ताकि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाए. लेट्स क्रैक टुडेज टॉपिक, शुरू करते हैं. लेट्स क्रैक सीबीएसई 12. हेलो वंस अगेन, क्लास शुरू करते हैं. आज का टॉपिक, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले वो टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ अ पार्टनर, बट ये पढ़ेंगे बाद में, ये पढ़ेंगे बाद में. पहले आ जाओ, आपको एक चीज बता, एक किस्सा बताता हूं मैं, ध्यान से सुनना क्या हुआ अभी. कुछ दिन पहले की बात है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं. ये हमारे क्लास में है ना, ये कौन, अपना शिवम और महक, दोनों भाई बहन है राइट, शिवम महक भाई बहन है, सौम्या महक भाई बहन है,
ट्विंस कौन है हमारी क्लास के? अच्छा शिवम, शिवम और महक, ये दोनों एक दिन ये एक ही रूम में बैठते, मैं बताता आपको, एक ही रूम में बैठ के दो अलग अलग मोबाइल से क्लास देखते रहते। तो क्या हुआ, इन लोग एक बार अपना माइक बंद करना भूल गए, शिवम और महक की बात कर रहा हूं मैं। हाँ ये दोनों एक दिन अपना माइक बंद करना भूल कर बातें कर रहे थे, जल्दी आए थे क्लास में, जल्दी ज्वाइन किए थे, आप लोग आने के थे, लोग बातें कर रहे थे। तो शिवम ने क्या बोला बताओ, शिवम ने क्या बोला, शिवम ने महक को बोला कि अपन कोचिंग सेंटर डालते, बोले कोचिंग क्लासेस डालते, बोले शिवम ने महक को बोला कि अपन कोचिंग क्लासेस डालते करके। तो महक थोड़ा सा प्रैक्टिकल थी, उनने सोचा, बोला डाल तो देंगे, पढ़ाएगा कौन? महक का बोलना था ना तेरे को पढ़ाते आता ना मेरे को पढ़ाते आता, माइक चालू है मैं सुन रहा हूँ ये सारी बात। तो शिवम क्या बोलता है, ये आगे पगला बैठा है ना सामने, ये पढ़ाएगा? बोले। फिर महक बोलती है, मानेंगे सर? शिवम का बोलना था, हो बिल्कुल क्यों नहीं, पार्टनरशिप ऑफर करेंगे, बोले हम इनको पार्टनरशिप ऑफर करेंगे। तो फिर इन्होंने माइक चालू किया, ऐसा लगा इन्होंने माइक चालू किया जबकि माइक चालू था इनका, माइक चालू किया, बोले सर, बोले हम पार्टनरशिप फर्म चालू करना चाहते हैं। मैं बोला हाओ अच्छी बात है, बढ़िया है, चालू करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या क्या करना चाहते हो उसमें काम? तो बोले सर कोचिंग क्लासेस। मैं बोला बढ़िया है कोचिंग क्लासेस, ठीक है, तो सर आप हमारे कोचिंग क्लासेस में पढ़ाओगे क्या? ये उन्होंने पूछा, ये किसने पूछा मेरे को, शिवम ने। शिवम ने पूछा कि सर, कृष्णा को, सर क्या आप हमारे कोचिंग क्लास में पढ़ाओगे क्या? अभी मैंने क्या बोला उनको, मैंने क्या बोला, मैंने सिंपल एक चीज समझाया शिवम और महक को, मैंने सिंपल एक चीज समझाया, अभी मेरा जो चल रहा है जैसा चल रहा है बढ़िया, मेरी कोचिंग क्लासेस नागपुर में चली रही है, अनअकैडमी में पढ़ा ही रहा हूं मैं, चल रहा है बढ़िया चल रहा है, क्योंकि अगर अब मैं आपके साथ जुड़ना चाहूंगा तो मेरे को बाकी चीजें बंद करनी पड़ेंगी, मैं सेम जैसा अकाउंटिंग एकेडमी चल रही है उसी के साथ साथ में सेम पैरेलल आपकी एकेडमी में कैसे पढ़ाऊंगा, तो मुझे मेरी एकेडमी बंद करनी पड़ेगी। हाँ पार्टनरशिप वगैरह देते हो तो बात अलग है, उन्होंने बोला ठीक है सर पार्टनरशिप देते हैं, हम आपको पार्टनर भी बना देंगे। तो मैंने उनको एक चीज समझाया, मैंने उनको एक चीज समझाया, मैं बोला देखो अभी आपका नया नया वेंचर रहने वाला है, नया नया फर्म रहने वाला है, मैं ऑलरेडी अकाउंटिंग एकेडमी में पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूँ, तो ऑलरेडी ऑलरेडी मैं 50 लाख रुपए कमाता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं 50 लाख रुपीज पर एनम में ऑलरेडी कमाता हूँ, अगर मैं आप लोगों के साथ पार्टनरशिप में आना चाहता हूँ या आप मुझे आपके साथ पार्टनरशिप में लाना चाहते हैं तो मेरे को मिनिमम इतना प्रॉफिट तो होना चाहिए, मिनिमम मेरे को इतना प्रॉफिट तो होना चाहिए कि भाई मेरे को 50 लाख रुपए का प्रॉफिट तो मिले, अदरवाइज क्या होगा, मैं 50 लाख का प्रॉफिट सेक्रीफाइस करके आपके साथ जुड़ रहा हूं कि भाई जो मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूं दो जगह पे, काम करने से मैं इतना पैसा अगर कमा पा रहा हूं तो आपके साथ जुड़ने की वजह से ये मेरा मनी का लॉस है, ये मेरा सेक्रीफाइस है, आपके धंधे का कोई भरोसा नहीं है, चल गया तो चांद तक नहीं तो शाम तक, बराबर है, आपने तो नया नया चालू किया है, आप गारंटी अगर देते हो, आप मतलब कौन गारंटी देता है बोल रहा है, मैं बोल रहा है कि आप यानी शिवम और महक अगर आप गारंटी देने को तैयार है कि मेरे को मिनिमम 50 लाख का प्रॉफिट होता है, अगर आप गारंटी देने को तैयार है कि मेरे को मिनिमम 50 लाख का प्रॉफिट होता है तो मैं ये कर सकता हूं, तो हम इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, हम इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। मैंने ये किनसे गारंटी मांग ली, मैंने ये गारंटी किनसे मांगी, ये गारंटी किनसे मांगी जरा बताइएगा, ये गारंटी हमने किससे मांग ली, शिवम और महक से, किसने मांग ली, कृष्णा ने जो इनकमिंग पार्टनर था। हो सकता है कि शिवम अग्री कर जाए, शिवम बोलेगा सर कोई बात नहीं आप पढ़ाओ, बोले मैं दूंगा, बोले 50 लाख रुपए प्रॉफिट का आपको हर साल मैं दूंगा, नहीं रहा तो मैं मेरे जेब से लाके दूंगा, शिवम ने गारंटी लिया, शिवम ने गारंटी लिया कि सर आप निश्चिंत रहो कि नहीं हुआ धंधे में प्रॉफिट, नहीं भी हुआ तो मैं मेरे जेब से लाके दूंगा। महक बोले शिवम पगला हो गया, महक ने गारंटी नहीं ली, शिवम ने गारंटी ले ली। तो यहां पे द गारंटी इज टेकन बाय शिवम, मैं ऐसा बोलू तो चलेगा क्या, द गारंटी इज टेकन बाय शिवम टू पे एटलीस्ट 50 लाख टू कृष्णा, गारंटी गारंटी किनने ले लिया, शिवम ने, टू पे रुपीज एटलीस्ट 50 लाख टू कृष्णा। तो शिवम ने गारंटी दिया और गारंटी किसको मिली एक बार बता दीजिए, गारंटी किसको मिली, आपको यानी कृष्णा को, बराबर है, गारंटी किसको मिली, कृष्णा, देने वाला कौन है, शिवम। तो दिस कंसेप्ट, दिस टॉपिक इज कॉल्ड गारंटी ऑफ अ पार्टनर, गारंटी ऑफ अ पार्टनर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट की गारंटी ली है,
मेजरली गारंटी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स देते हैं टू इनकमिंग पार्टनर, जो पार्टनर को हम एडमिट करना चाहते हैं या नया पार्टनर करके ऐड करना चाहते हैं, हम उनको गारंटी देते हैं सो दैट कि वी विल बी एबल टू ज्वाइन हिम इनटू द पार्टनरशिप फर्म, सो दैट वी विल बी एबल टू ज्वाइन हिम इनटू द पार्टनरशिप फर्म, अकॉर्डिंगली हम उसको पार्टनर बना के अच्छे से बिजनेस शुरू कर सके, नए तरीके से नए सिलसिले से बिजनेस शुरू करके अच्छी ग्रोथ या अच्छे मुकाम पर पहुंचा सके। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर इनकमिंग पार्टनर्स को गारंटी देते हैं। तो इसमें कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट करना पड़ता है, क्योंकि अब तक हमने पढ़ा कि पीएनडी अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट जो निकलता था, पीएनडी अप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट रहता था दैट यूज टू डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन देयर, द अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन देयर, बोलो फटाफट बोलो, द प्रॉफिट ऑफ अप्रोप्रिएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन देयर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऐसा बोलू चलेगा? इन केस ऑफ अप्रोप्रिएशन, पीएनडी अप्रोप्रिएशन, द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर्स वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में बांटा था हमने, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहां पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, बट मिनिमम गारंटी कृष्णा की है कि भाई 50 लाख रुपए मिनिमम प्रॉफिट कृष्णा को होना चाहिए, नहीं हुआ तो शिवम अपने पैसे, अपने जेब से पैसे देने को तैयार था, याद करो, नहीं हुआ तो शिवम अपने जेब से पैसा देने को तैयार था, शिवम अपने जेब से पैसा देने को तैयार था। तो दैट वॉज द मिनिमम गारंटी, दैट वॉज द मिनिमम गारंटी, मिनिमम अमाउंट ऑफ गारंटी इज बीन टेकन बाय शिवम टू पे टू कृष्णा। शिवम ने गारंटी दिया था कि कृष्णा सर आप निश्चिंत रहो, मैं इतना पैसा तो आपको दूंगा। तो अब आइएगा, ध्यान देते हैं कैसे करना है, क्या करना है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। जैसा प्रॉब्लम नंबर 57 पे आ जाओ, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, समझते कैलकुलेशन कैसा किया जाता है। एबीसी आर द पार्टनर्स, एबीसी एंड द अग्रीड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म विद एन अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2:1। नया नया फर्म चालू किया है, 3:2:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। वे सी वॉज द गारंटेड पार्टनर फॉर द प्रॉफिट ऑफ ₹60,000। बस सी को मिनिमम 60,000 रुपए की गारंटी दे दी, सी को मिनिमम 60,000 रुपए की गारंटी दे दी। द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹3,00,000। फर्म कितने का प्रॉफिट अर्न करके बैठ गया, 3,00,000 का। फर्म प्रॉफिट कितने का अर्न करके बैठ गया, 3,00,000। अब यहां पे गारंटी किसको दी हुई है, गारंटेड पार्टनर कौन है, गारंटेड पार्टनर गारंटेड कौन है, गारंटेड कौन है, सी। और गारंटर कौन है, गारंटी किसने दिया, गारंटर्ड कौन है, गारंटी किस किसने दिया है, ऑफकोर्स ए और बी ने दी होंगी, क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है कि गारंटी देने वाला कौन है। तो वी आर गोइंग टू अज्यूम, इट्स बेटर कि अज्यूम जो दोनों पार्टनर्स है उन्होंने गारंटी दे दी, जो दोनों पार्टनर्स है उन दोनों ने गारंटी दे दी। अब याले केस में अगर हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से अब उनका प्रॉफिट निकालना है तो क्या होगा, जरा ध्यान देना। पहले पार्टनर के नाम लिख लो, पार्टनर कौन कौन है हमारे बीच में, पार्टनर है एक ए है, एक बी है, एक सी है, बराबर ए बी सी है। इन लोगों के प्रॉफिट्स कितने होने वाले, इन लोगों के प्रॉफिट टोटल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कितना है जरा बताएंगे, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट टोटल कितना हुआ, 3,00,000। अब ये 3,00,000 का प्रॉफिट हमको बांटना है, किन किन में बांटना है, ए बी और सी में। और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आपको ध्यान होगा तो क्वेश्चन में दिए हुए थे 3:2:1। तो 3,00,000 को अगर 3:2:1 में बांटू तो इसका कितना हो जाएगा, 3,00,000 × 3/6, 3,00,000 × 2/6, 3,00,000 × 1/6 करो तो कितना होता है, 3,00,000 × 3/6, 2/6 and 1/6, 1,50,000, 1,00,000 और इसका हो गया 50,000। अब मेरे को बताओ सी को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी थी, सी को मिनिमम कितने प्रॉफिट की गारंटी दे रखी थी हमने, उसको उसका शेयर कितना आया, उसका शेयर कितना आया, हमने सी को मिनिमम गारंटी दे रखी थी, सी को मिनिमम 60,000 का गारंटी दिया हुआ था, बट सी का शेयर कितना आया, सी का शेयर 60,000 आया कि 50,000 ही आया, 50,000। तो विल हैव टू एडजस्ट, सी का प्रॉफिट हमको एडजस्ट करना पड़ेगा सो दैट ही विल अर्न। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, सी का शेयर एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा सी के शेयर में, सो दैट ही विल बी एबल टू अर्न अ फाइनल प्रॉफिट, ही विल बी एबल टू अर्न अ फाइनल प्रॉफिट ऑफ 60,000। मेरे को बताओ इसको फाइनल प्रॉफिट एटलीस्ट 60,000 का आना चाहिए, अगर इसका फाइनल प्रॉफिट 60,000 लाना है तो आपको नहीं लगता है इसको मेरे को 10,000 रुपए और देने पड़ेंगे। अगर सी को मिनिमम शेयर हमको 60,000 का देना है, 50,000 का कैलकुलेशन आया तो 10,000 से शॉर्ट किया हमने, तो जो 10,000 रुपए उसको कम मिले, जो 10,000 रुपए को कम मिले वो 10,000 रुपए उसको भी बढ़ा कर दे दो। अब अगर हम सी को जो 10,000 रुपए कम, जैसा हमारे पास जो 10,000 रुपए कम कलेक्ट हुए, अगर हमको उस 10,000 रुपए सी को देना है, 10,000 रुपए यदि हमको वो सी को देना है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, वो 10,000 रुपए कोई ना कोई और पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करवाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर सी को मैं प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट तो 3,00,000 की है, सी को हमको 50 देना है
कैलकुलेशन के हिसाब से, बट मिनिमम गारंटी 60,000 की ली हुई है, तो सी को 10,000 रुपये कम मिल रहे हैं। अगर सी को 10,000 रुपये कम मिल रहे हैं तो आपको नहीं लगता 10,000 रुपये में से कुछ पोर्शन ए सैक्रिफाइस करेंगे और कुछ पोर्शन बी सैक्रिफाइस करेगा? यस और नो? अच्छा, ए और बी कितना कितना पोर्शन सैक्रिफाइस करेंगे? दोनों इक्वल कर देंगे क्या? दोनों यस, दोनों इक्वल रेशियो में नहीं करेंगे, दे आर गोइंग टू सैक्रिफाइस इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर मैं बोलता हूं तो ऐसा करूं कि 10,000 इंटू 3/6, 10,000 इंटू 2/6, 10,000 इंटू 3/6, 10,000 इंटू 2/6, ये करूं? ये सही है कि गलत है? गलत है। ये गलत है। वाई गलत है? क्योंकि अगर आपने इसमें बांटा 3:6 यानी 3/6 और 2/6 बांटा, तो आपको नहीं लगता 1/6 बच जाएगा, 1/6 का शेयर? तो इस ऐसे वाले केस में मैंने आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के वक्त भी समझाया था, कौन सा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेना कि रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेना? क्या लेना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब 3:2, मतलब 3/5 और 2/5 रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले लेना। निकालो तो 10,000 इंटू 3/5 कितना आ रहा है? इसका आ रहा है 6,000, ये सैक्रिफाइस कर देगा 6,000, ये सैक्रिफाइस कर देगा 4,000, और इसका क्रॉस चेक भी बता रहा हूं, जो एडजस्टमेंट है इसका टोटल जीरो आना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स जितना इन्होंने जितना इन्होंने गेन किया है, जो ये गेन करेगा, मतलब इसको जितना ज्यादा देना है वो बाकी दो पार्टनर्स अपना पोर्शन उतना सैक्रिफाइस करेंगे, तो अब इनका नया प्रॉफिट कितना आ जाएगा? ए का नया प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1,44,000। और बी का नया प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा? बेटा प्रेफरेबली टाइप करो ना, मेरा वैसे ही सर दुख रहा है, वो आवाज माइक का बहुत ज्यादा है, टाइप करो तो 1,44,000, 1,00,000 में से 4,000 गए तो बैलेंस कता है 96,000, कितना आने वाला है वो आपका 96,000, 1,44,000 एंड 96,000, इसका टोटल मारो, इसका टोटल मारिएगा कितना आ रहा है, टोटल मारिएगा कितना आ रहा है, 1,44,000 प्लस 96,000 प्लस 6,000 कितना आ रहा है टोटल? आ रहा है क्या 3,00,000 बराबर? आना भी चाहिए 3,00,000। फर्म का प्रॉफिट 3,00,000 ही था, फर्म का प्रॉफिट 3,00,000 ही था, 3,00,000 को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटे। क्यों नहीं बांटे? क्योंकि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते थे तो इसको मिनिमम गारंटी थी जो फुलफिल नहीं हो रही थी, तो इसकी जो मिनिमम गारंटी है, इसकी जो मिनिमम गारंटी है वो फुलफिल करने के लिए, मिनिमम गारंटी को पूरा करने के लिए हमने जो शेयर है उसका 10,000 रुपये बढ़ा दिया, 10,000 रुपये बढ़ाया तो इन्होंने सैक्रिफाइस किया, तो जो फाइनल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी वो 1,50,000, 1,50,000 वो नहीं रहने वाला, फाइनल प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग विल बी 1,44,96 एंड 60। इसकी एंट्री भी पास होंगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट, डिपेंडिंग अपॉन विच एवर मेथड वी आर फॉलोइंग। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा 1,44,96 एंड 60, अल्टीमेटली 3,00,000, और ए बी और सी के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा 1,44,96 एंड 60,000। समझा? वो आखिरी पार्ट समझा गया क्या बोला मैंने? P&L अप्रोप्रिएशन एंट्री हम दो दिन से पढ़े, दो नहीं चार पांच दिन हो गए हम पढ़ रहे हैं ना, कैपिटल अकाउंट और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंट्री पढ़ाया था ना मैंने, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री याद है? करे बाबा सामोर पार्ट मागे शपाट ऐसा तो काम नहीं है ना। आंग्या, ये वाली एंट्री प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओनर, क्या है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओनर? प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये एंट्री बोला ना मैंने अभी। कैपिटल क्या, ए बी सी तीनों के अलग अलग, कैपिटल ए बी सी तीनों के अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन कि उनका शेयर कितना आया, ए बी सी तीनों के अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन कि उनका शेयर कितना आया, 1,44,96 एंड 60, 1,44,96 एंड 60। देखो मैं एंट्री लिख देता हूँ, एंट्री लिख देता हूँ ताकि आप गड़बड़ ना करो, फिर बोलोगे सर क्या होंगी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो जाएगा ये 3,00,000 टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, कितना कितना प्रॉफिट बटेगा, ए को कितना बटने वाला है 1,44,000, बी को कितना मिलेगा 96,000, ये भाई साहब ने तो 60,000 का मिनिमम गारंटी ले रखा था, तो इसको 60,000। अगर कभी एंट्री पूछ लिया व्हाट विल बी द एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो दिस विल बी द एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अगर पूछा तो, चांसेस कम है एंट्री नहीं पूछते वो, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन पूछते, कैलकुलेशन में आपको बता चुका हूं। छाप लो इसको,
आपके हो जाए तो आवाज करना, हम आगे बढ़ते फिर। लिख के अगर हो जाए जिन बच्चों का तो प्रॉब्लम नंबर 58, बट एंट्री भी लिखना बेटा, एंट्री भी लिखना, एंट्री प्रॉब्लम नंबर 58 सॉल्व कर लो। अगर 57 हो गया है तो 58 सॉल्व करो। आंसर आ गए तो प्राइवेट चैट में लिखना, भावुक होके बोल मत देना, बाकियों को भी सॉल्व करने दो। मेघलो मेरे को अगले क्वेश्चन के आंसर एक स्टूडेंट आ चुके हैं, बाकी सॉल्व करिए, 58 सॉल्व करना है। और जिनने 57 का आंसर लिख लिया होगा नीचे भी ये एंट्री भी लिख देना, अगर एंट्री रिक्वायर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन की पूछा है तो।
हो गया है. आई थिंक दैट वॉज सफिशियंट टाइम टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 58. प्रॉब्लम नंबर 58 सॉल्व करने के लिए भरपूर पेट भर के टाइम था वो. ठीक है. एबीसी आर द पार्टनर्स अग्रीड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म विद अ इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इक्वल इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर इक्वल. वे बी वॉज द गारंटेड पार्टनर फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 बाय ए. अब मेरे को बताओ गारंटी दोनों ने दिया कि गारंटी सिर्फ ए ने दिया. गारंटी दोनों ने दिया कि गारंटी ए ने, एक पार्टनर ने दिया. बोलिए गारंटी इज गिवन बाय ऑल द पार्टनर या सिंगल पार्टनर. सिंगल. तो अब देख लीजिए यहां भी कैसा करोगे आप, निकाल लेना. सबसे पहले पार्टनर्स लिख लेना. पार्टनर्स, पार्टनर कौन कौन है, ए बी सी. ठीक है, पार्टनर कौन कौन हो गए, ए बी सी. इनका प्रॉफिट निकाल लेना. प्रॉफिट टोटल फर्म का प्रॉफिट इज, टोटल फर्म का प्रॉफिट इज 120,000. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, तो 120,000 इंटू 1/3, 120,000 इंटू 1/3 और 120,000 इंटू 1/3 करो तो कितना होता है. 120,000 इंटू 1/3, 1/3, 1/3 कितना होता है, 40,000 होगा. 40,000, इसका 40,000, इसका 40,000, इसका 40,000. 40,000, 40,000, 40,000. एडजस्टमेंट, मैं एडजस्टमेंट कैसा करोगे आप. एडजस्टमेंट मिनिमम प्रॉफिट बी को दी हुई है 50 की, तो 10,000 रुपये इसको और दे देंगे तो इसका बैलेंस 50 हो जाएगा. मेरे को एक चीज बताओ, जो 10,000 रुपये हमको बी को देने हैं वो कोई ना कोई सैक्रिफाइस करेगा. हु विल गोइंग टू सैक्रिफाइस दैट, हु विल गोइंग टू सैक्रिफाइस दैट. कौन, ए और सी दोनों करेंगे कि पूरा का पूरा गारंटी वॉज गिवन बाय ए. ए तो पूरा का पूरा 10,000 रुपये ए देगा, तो दैट विल बी योर फाइनल प्रॉफिट. तो ये जो फाइनल प्रॉफिट आने वाला है इसका हो जाएगा 30,000, इसका हो जाएगा 50 और लास्ट वाले का हो जाएगा 40. क्रॉस वेरिफिकेशन, टोटल जीरो आनी चाहिए. क्या आ रही है, हाँ आ रही है. इसकी टोटल 120,000 आनी चाहिए. मतलब आप सही हो, मतलब आप सही ट्रैक पे हो. ठीक है. अगर एंट्री पास करने बोला है तो क्या होंगी एंट्री, बोलो तो. एंट्री पास करने बोला रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की एंट्री पास करने बोला रहता तो एंट्री क्या होती है. क्या एंट्री हो जाती, प्रॉफिट. हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट. कितने से डेबिट हो जाता है ये, 120,000 टू ए टू बी टू सी. कितना हो जाता है ए अकाउंट, 30, 50 और 40. 30,000, 50,000 और 40,000. 30,000, 50,000 और 40,000. क्लियर है यहां तक, लिख लो. कितने कितने लोग निकाल पाए इसको. आंसर आए थे मेरे को बट गलत आंसर आए थे. किसका सही है मैं बताता हूं. सही सही वालों के नाम पढ़ूंगा मैं, गलत वालों के नाम नहीं पढ़ूंगा. ठीक है. सुचेत, गुड सुचेत. नहीं नहीं नहीं. गुड महक मोदी. गुड प्रियांशु. ऐसे प्रियांशु तूने पहले गलत लिख के फिर सही किया है, पर ठीक है ठीक है. ओके. एक जन का बोलना है सर वो थोड़ा सा बी सी की जगह पे एक्सचेंज हो गया, बट बेटा तो भी हाँ ठीक है, वो उत्ता चल जाएगा, उत्ता चल जाएगा. ये अगर हो जाए तो प्रॉब्लम नंबर 59 सॉल्व करिए. 58 अगर लिख के हो जाए तो प्रॉब्लम नंबर 59 सॉल्व करिए. अभी करना है आपको, अभी.
हो गया है क्या? हो गया है क्या? 59 सॉल्व किया क्या? मैंने पूछा प्रॉब्लम नंबर 59 सॉल्व किया क्या? यस सर नो, कुछ तो बोलो। ओके करो, अभी टाइम चाहिए और लोहली फटाफट सॉल्व करो प्रॉब्लम नंबर 59 सॉल्व करो अभी के अभी। हो जाए तो आवाज करना। अभी भी नहीं दिख रही? मैं दिख रहा क्या? हाँ तो स्क्रीन दिख, देखो मैं बता देता, मैं पढ़ रहा हूं ध्यान दो। पी क्यू आर अग्रीड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म विथ एन अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी पार्टनर्स जो है वो पी क्यू आर है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, वेयर आर इज द गारंटीड पार्टनर, आर गारंटेड पार्टनर है 1 लाख के प्रॉफिट के लिए, आर को मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए 1 लाख, और उनका नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 6 लाख। लो पूरी इंफॉर्मेशन मैंने यहां लिख दी, इसको फुल स्क्रीन करके बड़ा कर देता हूं। ये लो जो उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो अब दिख रहा है क्या? PQR पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, आर को गारंटी दी हुई है, ये गारंटी है, किसने दी? दी हुई नहीं है गारंटी, तो ये मान लेना ती दोनों ने दी है, पी क्यू दोनों ने दी है, आर को गारंटी दी हुई है मिनिमम 1 लाख के प्रॉफिट की। करो सॉल्व।
हो गया क्या? अब मैंने पूछा हुआ क्या सॉल्व? अभी तक मुझे सिर्फ दो बच्चों के जवाब आए हैं, दो बच्चों के, बाकी लोग जवाब लिखे। जैसे एक बच्चे ने जवाब नहीं लिखा है, सवाल पूछा है, बाकी लिखिए फटाफट चैट में आंसर्स आए हैं अगर आपके, तो जरा देखिए तो क्या किया आपने। चलिए, जिन्होंने सवाल पूछा था उन्होंने जवाब भी लिख दिया और वो सही है, दो आंसर्स आए हैं, तीसरा आ गया, ठीक है, बच गया। मैं दो पेन तोड़ चुका हूं ऐसे मेरे। चलिए आइए मैं सॉल्व कर देता हूं। पार्टनर कौन कौन है? पार्टनर ए बी सी, तीन पार्टनर है ए बी सी, इनके प्रॉफिट कितने, टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट अगर आप देखें, प्रॉफिट में अगर बात करें तो प्रॉफिट टोटल है 6 लाख रुपए, 6 लाख का प्रॉफिट बांटना है और इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, तो 6 लाख का प्रॉफिट बांटेंगे तो 6 लाख × 5/10, 6 लाख × 3/10 और 6 लाख × 2/10 करो तो कितना होता है? 5/10, 3/10, 2/10 कितना आ रहा है बोलिए फटाफट। मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 3 लाख। 6 लाख × 3/10 कितना होता है? 6 लाख × 3/10 1,80,000 और ये 1,20,000 बराबर है एडजस्टमेंट। मेरे को पता आर को मिनिमम 1 लाख रुपए देने थे। आर, एक मिनट, एबीसी लिख दिया मैंने, एक्चुअली ये एबीसी नहीं है, ये पी क्यू आर है। आर को मिनिमम 1 लाख रुपए देने हैं। मेरे को बताओ आर को 1 लाख रुपए गए कि 1,20,000 रुपए चले गए? आर को 1 लाख रुपए गए कि 1,20,000? तो आपको नहीं लगता उससे 20,000 रुपए वापस लेंगे हम और फाइनल प्रॉफिट जो रहेगा वो इसका 1 लाख आएगा? यस और नो? यस। और ये 1 लाख का बेनिफिट हम ट्रांसफर कर देंगे पी और क्यू को। भाई जैसा नुकसान हो रहा था, नुकसान हो रहा था तो ये भर रहे थे, तो ये हो जाएगा 5 × 10 20,000 × 3/8 रिस्पेक्टिव रेशियो में। 5:3 है ना इनका रिस्पेक्टिव रेशियो, 5:3:2 है, तो 5:3 यानी 5/8 3/8 बराबर है। क्या आएगा, क्या आएगा आंसर? ये ऐसा कितने लोगों ने सॉल्व किया? कम ऑन रेज योर हैंड, आंसर तो बता दूंगा आप। ऐसा कितने लोगों ने सॉल्व किया? रेज योर हैंड। ऐसा कितने लोगों ने सॉल्व किया? एक भी नहीं? झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना सर, फिर तो ये आर की सैलरी हो गई। नहीं सर, डिफरेंट किया। अगर आपने ऐसा किया ना तो आप गलत हो, अगर आपने ऐसा किया तो आप गलत हो, मैं बता दूं पहले ही, ठीक है? आप में सब समझदार हो आप लोग, आप में से किसी ने भी इसको ऐसा सॉल्व नहीं किया है बोल रहे हो आप, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप ऐसा सॉल्व करते हो तो ये गलत है, अगर आप ऐसा सॉल्व करते हो तो ये गलत है। मेरे को एक चीज बताओ, आर को हमने जो गारंटी दी है, आर को हमने गारंटी मिनिमम 1 लाख की दी है, आर को हमने गारंटी मिनिमम 1 लाख की दी है, मगर किंतु परंतु अगर आर का प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा हो गया तो क्या हम वापस लेंगे क्या? अगर प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा हो गया तो हम वापस लेंगे क्या? मिनिमम 1 लाख मिलेंगे तेरे को, मिनिमम 1 लाख मिलेंगे, उसके ऊपर तो मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम कितने मिलेंगे तेरे को? 1 लाख मिलेंगे। तो दिस इज योर फाइनल प्रॉफिट, यही प्रॉफिट फाइनल है, बिकॉज इसकी गारंटी से ज्यादा का प्रॉफिट कमा लिया इसने। तो बेटा अगर कभी एक्सेस प्रॉफिट आया, क्योंकि बच्चे ने सवाल पूछा सर एक्सेस आ गया क्या करूं, एक्सेस आ गया तो भावुकता में बह के रिफंड मत ले लेना, एक्सेस आ गया तो भावुकता में बह के रिफंड मत ले लेना, वो उसका प्रॉफिट उसको दे देना और आगे बढ़ जाना, भावुकता में बह के रिफंड लेने की हरकत करना नहीं। क्लियर है क्या यहां तक? हाँ या ना? भावुकता में बह के रिफंड लेने मत बैठ जाना, वो उसका फाइनल प्रॉफिट रहने वाला है, वो उसका क्या रहने वाला है? फाइनल प्रॉफिट। पक्का श्योर? चलो अच्छा है, ये पहली बार हुआ है मेरे जीवन में कि किसी बच्चे ने यहाँ गलती नहीं, यानी कोई बैच में किसी बच्चे ने गलती नहीं की, तो लगता है आप लोग बहुत समझदार, बहुत होशियार और बहुत इंटेलिजेंट हो। तो आपकी बैच में से अपन को कितने 600 चाहिए ना, 10 में से 600, ठीक है चलो छाप लो इसको, लिख लिया है तो अच्छी बात है।
कर लिया है, लिख लिया है सभी ने? दोज हु वांट टू राइट, अगर रिकॉर्डेड मोड या यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप पॉज करके लिख लेना। दिस वॉज द गारंटी ऑफ अ पार्टनर, डन। गारंटी ऑफ पार्टनर में इतने थोड़े एडवांस क्वेश्चन रहेंगे, बट मैं वो बाद में कराऊंगा वंस वी हैव डन विद पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन। पास एडजस्टमेंट फिर मिक्स क्वेश्चन है, आड़े तेड़े क्वेश्चन गारंटी का पास एडजस्टमेंट के साथ, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन और ये सब ऐसा मिक्स क्वेश्चन करेंगे हम आगे, दो चार पांच क्वेश्चन या दो चार लेक्चर में ऐसा करेंगे। बट दिस इज ऑल अबाउट गारंटी ऑफ अ पार्टनर, वेयर वन पार्टनर को गारंटी दी जाती है अदर पार्टनर्स के द्वारा एंड एवरीथिंग इज डन अकॉर्डिंगली। तो आज यहीं रुकते हैं, टुमारो विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज पास एडजस्टमेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछता है। इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत हाई है, रीजन सिंपल है, क्योंकि आपका पार्टनरशिप का टॉपिक अब थोड़ा इजी हो गया बिकॉज ऑफ वो एडमिशन से बैलेंस शीट और वो सब हटा देने की वजह से। तो कुछ डिफिकल्ट अगर पूछना है तो वो पास एडजस्टमेंट का नाम का टॉपिक होता है, जहां से वो डिफिकल्ट पोर्शन पूछ सकता है। बट ऑफकोर्स कल संडे है, कल हमारा क्लास नहीं रहेगा, डायरेक्टली वी विल गोइंग टू मीट ऑन मंडे। तो आज यहीं रुकते हैं हम, इसके आगे हम मंडे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बेटा बाय। यस, यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो मैंने डाउट पूछने के तरीके आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताए थे। दीज आर द मेथड्स जिसके थ्रू आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं, आइदर व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बना रखे, मैं रिपीट कर देता हूँ, व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बना रखे जो मैंने आपको बताया, बॉयज ग्रुप अलग, गर्ल्स ग्रुप अलग। आप चाहो डिस्कशन करना चाहो बच्चे से तो आप आपका नाम, जेंडर और बैच मुझे लिखकर भेज दीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। दिस इज माय यूट्यूब चैनल, फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, आप मुझे यहाँ भी कम्युनिकेट कर सकते हो। टेलीग्राम में आपको मेरे रेगुलर बैच, आने वाले बैचेस के अपडेट्स एंड एवरीथिंग आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल सकते हैं। और वहीं अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी यूज करेंगे तो मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर आपके दोस्तों के साथ में शेयर करिए। आपको कोई डाउट है, कोई चीज कंसेप्ट जाननी है और बेहतरी से समझनी है, या अगला टॉपिक मैं क्या लूँ, आप ये चाहते हैं तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि सर अगला टॉपिक आप ये पढ़ाइए। और याद रखिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं अगली बार आप लोगों के साथ लाइव तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, हम आज यहीं रुकते हैं, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, सी यू।